आ गया वो मामला। अब यहाँ चार लगते थे इस पिलर के इधर, आज दो लगाए हो। ठीक है अभी ये तो कुछ हवा आते ही नहीं, फिर चलते क्यों है? ये उषा उषा केवल नाम के है ना, तो ये तो ऐसे ही चलेंगे बस। आपको लगना चाहिए क्लास में पंखा चल रहा है, हवा आए या ना आए। अच्छा चलो, कल आम कंप्लीट कर लिया, कुछ याद है राहुल? कुछ याद है कि नींद ले रहा था टीका लगा करके? डिजीज, डिजीज तो अब बाद में, आज तो केला दे दिया हेडिंग। डिजीज डिजीज कर दे, कल भी आम चलेगा? 10 मिनट करा देते हैं आम, कोई नहीं, घबराना नहीं है। दोनों खोल देता हूं आम केला में। चलो तब तक कुछ रिवीजन कर ले कल की क्लास का। बताओ आम का साइंटिफिक नेम क्या था, बताओ धीरे धीरे। आम के गुण सूत्रों की संख्या कितनी है? आम के फल प्रकार क्या है? उसके अंदर गुठली होगा इसलिए क्या है? ड्रोग। अच्छा आम की उत्पत्ति कहाँ हुआ? पक्की बात है आम के अगर प्रोपगेशन प्रवर्धन पूछा जाए तो व्यावसायिक, व्यावसायिक विनियर ग्राफ्टिंग। कौन से ग्राफ्टिंग है? अच्छा आजकल एडवांस मेथड जो ड्राई एरिया में, ड्राई एरिया सूखे प्रदेश में कौन है? इपिकोटाइल। कौन है? महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में कौन सा रीजन है? इपिकोटाइल। अच्छा अगर दोनों पेड़ को जोड़ के रखेंगे वो कौन सी ग्राफ्टिंग कहलाती है? इनार्चिंग। क्या नाम है? वो पहले करते थे आम में, आजकल उसकी नहीं जरूरत पड़ते हैं। अच्छा बताओ आम में दूरी कितना रखते हैं? अच्छा आम्रपाली एक वैरायटी है जिसकी दूरी कितना रखते हैं? 2.5 × 2। आम के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 24 से कितना? 28। ऐसे एक बार केवल पढ़ दूंगा ना तो आपको बस लगेगा कि एक और रिवीजन हो गया फटाफट। इंडो वर्मा हो गया जल्दी। फल प्रकार क्या है? अष्टिल फल। अच्छा इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? पेनिकल। प्रोपगेशन सीड के द्वारा हो गया, दोनों को जोड़कर रखेंगे इनार्चिंग, और ये कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई बताओ? विनियर ग्राफ्टिंग। बहुत अच्छा एकदम, 3 बार रिवीजन। ये क्या कहलाएगा? इपिकोटाइल। क्या कहलाएगा? अगला इसमें परागण किसके द्वारा होता था? घरेलू मक्खी के द्वारा। अधिकांशतः फलों में किसके द्वारा होता है? हनी बी के। और इसमें कली कब बनते हैं? अक्टूबर। फूल कब बनते हैं? फल कब बनते हैं? दूरी आम्रपाली का कितना है? 2.5 इंच। उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं? कितने प्रतिशत आम में केवल फल बनते हैं बताओ? 0.1%। कितने प्रतिशत? पॉइंट। उपज की बात करें तो कितना होगा? 80 से 100। भंडारण कितना डिग्री पे करते हैं? 8 से 10। अच्छा गड्ढे की साइज कितना रखते हैं? स्पेसिंग कितना था बताओ? 10। गुठली की साइज प्रोटीन 9.5। लीडिंग प्रोडक्शन कौन था? इंडिया। अच्छा राज्य की बात करें तो, राज्य की बात किए तो यूपी। अकबर ने एक लखा बाग बनाया था कहां? दरभंगा में, और वो कहां है बताओ? अगला पॉइंट आपको शेयर किया था, राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहां है, और लखनऊ कहां है बताओ? लखनऊ कहां है? यूपी। यहीं पे सबसे पहले आम को तोड़ने का मशीन भी बनाया गया था। ये है उत्तरी भारत जिसमें क्या पाई जाएगी? एका। और कैसा होगा? मोनो। और ये कौन से भारत है? दक्षिण। यहाँ कौन सी फल होगी? और यहाँ होता है बहुभोर्ण। अच्छा दो कीट हमने देखा था, एक का नाम है फल मक्खी, दूसरे का नाम है स्टोन विप। और इसके बचाव के लिए क्या करते हो? वेपर हीटेड। कितने डिग्री पे करते हैं? 43। बहुत अच्छा याद। बहुत आम में एक तकनीक अपनाते हैं जिसका नाम क्या है? किसने दिया था, किसके लिए दिया गया था, और इसका मुख्य एम क्या है? मुख्य एम क्या है? परागण।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट आपके साथ, टीएसएस कितना होता है बताओ, 20। अच्छा मैंने बोला था आम के साथ अंगूर का 20, अमरूद का 8, लवण प्रतिरोध मूल ब्रंथ कौन है, न म क, बहुभूर्णता मूल ब्रंथ कौन है, ओलोर और बिलाई कुलम्बन, क्या है, ओलोर और फलों को गिरने से रोकने के लिए। अच्छा एक अभी एक लड़का पूछा था, गुरुजी जर्दालू किसकी वैरायटी है बताना कोई, जर्दालू बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, खूब अच्छा चल रहा है, ये किसकी वैरायटी है बताओ, आम की, किसकी है, और किसान भोग बोला जाए तो, किसान भोग बोलते हैं, किसान भोग, किसान भोग, ये भी किसकी वैरायटी है, आम की, कल छूट गया था तो एक दो आपको ऐड करा दिया, जरदालू कौन सी वैरायटी है। गुच्छा रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किए थे, एनएए, कितना मात्रा रखे थे, 200, और इसका कॉमन नेम क्या था, प्लानोफिक्स, क्या है, प्लानो। आम की कलम को बढ़ाने के लिए कितने डिग्री पे बॉटम हीट, 22। टपका अवस्था किससे संबंधित है, आम से। फलों को झाड़ना क्या कहलाता है, थिनिंग, किसके द्वारा करते हैं, एनए। आम की परिपक्वता अवस्था का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका मान कितना होता है, 1 से लेकर 0.02। इसका ट्रिक मैंने बता दिया था, मारा, क्या बताया था, मारा को याद किए थे, एमएनडी, क्या याद किए थे, और एमएनडी का मतलब कौन है, नीलम, और इधर ए का मतलब क्या है, आम्रपाली, तो इसको उल्टा कर दिए थे, दशहरी, और ये आ गया आरएनए, क्या है, आरएनए किसका किसका है, नीलम, और इसका उल्टा कर दिए तो क्या बना, अल्फांसो, और सिंधु किसका क्रॉस है, एसआरए किसका है। बीज रहित जो वैरायटी बनाया गया उसमें गुठली की वजन कितनी होती है, 7। कहां से बनाया गया था, कोकण विद्यापीठ टापोली से, कहां से, टापोली से। अर्का अरुणा किसकी वैरायटी, किसका क्रॉस है, अरुणा, बी और ए का, बी और ए का। इसके पति का नाम पुनीत, किसका, अल्फांसो एन बेगन पल्ली। अनमोल बेटा है, जानते हो अनमोल, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, कैसा है बताओ, सेमी ड्वार्फ, किसका किसका है, अल्फांसो और जनार्दन पसन। अंबिका किसका है, आम्रपाली और जनार्दन। अरुणिका किसका है, ये सारे चीज अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, एक रिवीजन के तौर पे आपको जल्दी जल्दी से। रूमानी का सेप कैसा था बताओ, एप्पल सेप। डी सेपिंग किससे संबंधित है, आम से। अल्फांसो स्पॉन्जी उत्तक रेसिस्टेंट संवेदनशील वैरायटी है। बॉम्बे ग्रीन में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं और उत्तरी भारत की पहले पकने वाली वैरायटी है, जबकि अगर अल्फांसो की बात करूं तो उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला हमने बात किया था चौसा। चौसा एक मीठी वैरायटी है जो पछेती वैरायटी है, कैसी है बताओ, पछेती वैरायटी। दशहरी की नाम लिया जाए सबसे उत्तम वैरायटी कौन है, दशहरी, कौन है, दशहरी। फजली की बात करें तो पछेती वैरायटी है, ये भी बिहार पश्चिम बंगाल में ये इसका उत्पादन होता है। केसर मीठा वैरायटी है, गुजरात की प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है। दशहरी 51, दशहरी और दशहरी 51 में बेसिक अंतर क्या होता है कि इसमें माल फॉर्मेशन एकांतरण फलन की समस्या नहीं पाई जाती है, और ये दक्षिणी भारत की वैरायटी है, कहां की है, दक्षिणी। पूसा सूर्या की बात करें तो ये तो आम की वैरायटी है, केवल सूर्या आ जाए तो सूर्या केवल पपीता की वैरायटी है, किसकी है, अर्का और पूसा अरुणिमा, नीमा निमा निमा निमा, पूसा अरुणिमा, अंबिका, अक्षय, ये सब सारे किसकी वैरायटी है बताओ, आम की, इंपोर्टेंट। तोतापुरी मैंने बोला था कि जूस बनाने के लिए इंपोर्टेंट वैरायटी, जिसका नाम क्या है, तोतापुरी। साई सुगंधा किसका क्रॉस है बताओ, तोतापुरी और केसर के बीच का, क्या है, बेमौसमी वैरायटी। हमने नाम लिया था निरंजन और मधुलिका, कौन है, निरंजन और मधुलिका। बेगन पल्ली की बात करें, नीलम की बात करें, तोतापुरी की बात करें, अर्का पुनित की बात करके, अर्का अरुण की बात करें, अंबिका की बात करें, ये सारे वैरायटी है नियमित, कैसा है, नियमित, जिसमें क्या लग जाए, अर्का। केवल हमारे यहाँ नियमित फलन देने वाले आम्रपाली है, कौन है बताओ, आम्रपाली। बिलाई कुलम्बन में क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है, 2n = 80। इसमें पोली एम्ब्रियोनिक पाया जाता है, सही बात है। अल्फांसो में इसका उपयोग करते हैं, और मैंने इसके बाद शुरू किया था बीमारी, क्या शुरू किया था,
और बीमारी में सबसे पहला हमने पढ़ा था चूर्णी लासिता, और इसमें कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है? ओडियम मेंजिफेरा। और कितने प्रतिशत तक की हानि होती है? 30 से 90%। और ये बीमारी आपको कब दिखाई देगा? फरवरी मार्च के महीने में। इसके लिए प्रतिरोध किस्म आपको मैंने बताया था लाल सिंदूरी, और इसका जो मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो किसके द्वारा करते हैं? 0.1% केराथेन। किसके द्वारा? पॉइंट हमने और आपसे बात किया था कि जो आम में पाउडरी मैल्ड्यू लगता है, तो ये पाउडरी मैल्ड्यू बेर में भी घातक है, कुकर बीट्स में भी घातक है, मटर में भी घातक है, और सारे जब कवक से होंगे। और कवक के लिए प्रबंधन जो हम करेंगे, मैनेजमेंट, 0.1% क्या करोगे? केराथेन। क्या करेंगे? केराथेन। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है एंथ्रेक्नोज। क्या नाम है बताओ? एंथ्रेक्नोज भी किससे होता है? कवक से, फंजाई से होते हैं। और सबसे पहले ना इसका सिम्टम्स आप देख लो, ये है एंथ्रेक्नोज। क्या है? एंथ्रेक्नोज। पहला आपने बीमारी देखा उसका नाम क्या था? पाउडरी मैल्ड्यू। पाउडर पाउडर के जैसा हो जाए तो क्या बोलोगे? पाउडरी मैल्ड्यू। और आम में ऐसा हो जाए आम, इसको बोलोगे श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज। क्या बोलेंगे बताओ? श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज। तो ये होता है कवक से, और कवक का नाम है कोलाइटोट्राइकम ग्लोस्पोरवाइट्स। क्या नाम है बताओ? कोलाइटोट्राइकम ग्लोस्पोरवाइट्स। ये एक छोटी सी कहानी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज का मैंने टॉपिक डाला था केला। क्या डाला था? केला। पढ़ा रहा हूं क्या? आम। तो लोग सोच रहे होंगे यार दिमाग खा रहा है आज, पर ये रिवीजन करा देता हूं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 24 से 32। और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दोगे? हॉट वाटर। प्रतिरोध किस्म अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या है बताओ? एडवर्ड। कौन है? एडवर्ड। हालांकि थोड़ा सा डिजीज और डिसऑर्डर में अलग से पढ़ाता हूं। बैक्टीरियल कैंकर की बात करें तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया। मैंने बोला अधिकांश कैंकर जो होता है ना, ये किससे होते हैं बताओ? बैक्टीरिया। केवल याद रखना है अमरूद का कैंकर, अमरूद का कैंकर ये होते हैं किससे? जानते हो? कवक से। किससे होते हैं? ये ध्यान में रखना है। बाकी ये बीमारी आपको सब सार में लिखा हुआ है, 2 पेज में। कितने पेज में है? वही पढ़ना है, उससे ज्यादा अपने को बीमारी नहीं पढ़ना है। अपनी काम हो जाएंगे, फालतू दिमाग मत लगाना, नहीं तो खूब सारे बीमारी उलझ के रह जाओगे। लाल रस्ट पूछा हुआ है, ये किससे होते हैं? सैवाल से। किससे होता है? सैवाल। केवल पूछा ये किससे होते हैं बताओ? सैवाल। और ये एल्गी से होते हैं, लाल रस्ट आप देख लो। अब हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट बियरिंग, एक साल फल आएगा एक साल फल नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं एकांतरण फलन की समस्या। और आम में ये समस्या पाया जाता है क्या? एकांतरण फलन। अगर आम के अलावा अगर हम बात करें तो ये समस्या पाया जाता है खजूर में भी, ये समस्या पाया जाता है नारियल में भी, ये समस्या पाया जाता है आड़ू में भी, ये समस्या पाया जाता है आलू बुखारा में भी, तो यहाँ इतने पिस्ता में भी पाया जाता है, ये सब काजू में पाए जाते हैं, इन सब में पाया जाता है एकांतरण फलन की समस्या। क्या होते हैं एकांतरण फलन? एक साल फल, देखो इधर फल नहीं आया और इधर फल आया है, आया है ना? एक साल फल आएगा एक साल फल नहीं आएगा। इसके लिए कंट्रोल क्या करोगे? उपचार किसका करते हैं? तो मैंने नाम लिखा था पैक्लो। क्या नाम है? पैक्लो ब्यूट्राजोल। क्या नाम है? पैक्लो ब्यूट्राजोल। इसका उपयोग करते हैं पैक्लो ब्यूट्राजोल, और इसी को मार्केट में कोलतार के नाम से जाना जाता है, या कलतार जो लिख सकते हो। कितना यूज करोगे? एट द रेट ऑफ 5 ग्राम प्रति ट्री का हम उपयोग करते हैं। कहीं कहीं 2 ग्राम भी लिखा हुआ है, पर आप यूज करना कितना? 5 ग्राम। क्या करेंगे? 5 ग्राम प्रति पौधा हम इसका, प्रति ट्री क्या करते हैं उपयोग, इसके चारों तरफ ऐसे खाच बना करके 5 ग्राम हम प्रति पेड़ इसका उपयोग करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है विकार, जिसका नाम क्या है बताओ? माल फॉर्मेशन। क्या है? माल फॉर्मेशन। गुच्छा रोग, मैंने बोला 2 तरह के गुच्छा लग सकते हैं, एक तो पत्तियों का गुच्छा लग जाए, एक फूलों का गुच्छा लग जाए, तो इसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन। और ये जो होता है ना, कवक से होते हैं, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होते हैं, कई कारण है इसके होने का, लेकिन अभी जो विज्ञान, जो हमारा साइंस था, वो बताता है ये कवक से होते हैं। और कवक से होने पर इसके लिए एक रसायन सिक्रीट होता है, जिसका मैंने नाम बताया था कि कवक जो है वो रसायन सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है?
मैंजिफेरिन, क्या नाम है? मैंजिफेरिन, क्या नाम है? मैंजिफेरिन, क्या नाम है बताओ? मैंजिफेरिन। ये रसायन है किससे सिक्रीट होता है बताओ? केमिकल, कवक से। और यही अभी मुख्य कारण माना जाता है किसका बताओ? माल फॉर्मेशन का। किसका कारण माना जाता है बताओ? माल फॉर्मेशन। तो ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। इसका मैंने कुछ प्रतिरोध वेराइटी का नाम बताया था, प्रतिरोध वेराइटी माल फॉर्मेशन का, तो वो आपने बोला था एक वेराइटी का नाम है गुरुजी इलायची, क्या नाम है बताओ? इलायची। दूसरे वेराइटी आपने बोला गुरुजी एक नाम और है एलीव, क्या है? एलीव। और एक आपने बोला था बहार दून, क्या है? बहार दून। ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसका? जो प्रतिरोध है किसके? माल फॉर्मेशन के लिए। अब माल फॉर्मेशन का आपने नियंत्रण कर दिया था, नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे बताओ? नियंत्रण का मतलब उस जो माल हो, माल को हटाना है, तो नियंत्रण के लिए करेंगे एट द रेट ऑफ किसको? NAA, एट द रेट ऑफ कितने ppm? 200 ppm। कितना उपयोग किए थे? 200 ppm। ये हो गया अपना माल फॉर्मेशन। कितने तरह के माल फॉर्मेशन पढ़े थे? दो तरह के। कौन कौन गुरुजी? वनस्पति के एक हमने पढ़ा, और दूसरा कौन पढ़े थे बताओ? फ्लोरल माल फॉर्मेशन, यानी फूलों वाला। और ज्यादा नुकसान कौन दिया था ये भी पूछा हुआ है, ज्यादा नुकसान देह कौन होता है? फूलों वाला। तो ये कंप्लीट है, ये क्लास मैं आपको करवा चुका हूं, पर दो चार और है वो भी बात कर लेते हैं। फलों का गिरना क्या है बताओ? फलों का गिरना। तो फल कब गिर जाएंगे बताओ? फल ये सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में गिरते हैं? मटर के दाने। तो ये मैंने बोला अपने बुक में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं तीन बार बोल रहा हूं। तो क्या है स्टेज का नाम क्या है बताओ? पी स्टेज। क्या नाम है बताओ? यानी मटर के दाने पे सबसे ज्यादा अगर आम गिरता है तो किस अवस्था में सबसे ज्यादा गिरेगा बताओ? पी स्टेज में। कौन सा? पी। लेकिन अगर पूछा जाए किसानों को सबसे ज्यादा बेटा नुकसान कौन सी अवस्था वाला होगा किसानों को, तो जब ये आम ना बड़ा हो जाए, तो ये इस अवस्था पे आम गिर जाएगा तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और मई जून के महीना होते हैं इस टाइम, इस मई जून के महीना में अगर आम गिर जाए ना तो बड़ा दिक्कत होता है, जिसको हम बोलते हैं जून ड्रॉप। क्या बोलते हो बताओ? जून ड्रॉप। जून ड्रॉप अगर पूछा जाए क्या है जून ड्रॉप, तो बोलोगे जब आम पकने से पहले ही ड्रॉप हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? जून ड्रॉप। और सबसे ज्यादा आम किस अवस्था में गिरते हैं? अगर सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक ड्रॉप किस अवस्था में होता है बताओ, तो आप क्या आंसर दोगे? पी ड्रॉप। जैसे आपने देखा होगा तीन तरह के ये आम ना हमारे कपल से रिलेटेड, एक पति पत्नी को आपने कभी देखा होगा, और पति पत्नी मान लिए जाए संतान हो ही नहीं, वो संतान बेचारा मेहनत कर रहा है संतान नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलोगे लगातार ये अल्टरनेट बियरिंग पे चल रहे हैं भाई, फल आ ही नहीं रहे हैं, इसमें फल नहीं बन रहा है। कई ऐसे माँ बाप में देखे होंगे संतान हुआ और बच्चा जन्म लेते ही मर जाए, गिर जाए, कई ऐसे केस होते हैं। तो नहीं होने से ज्यादा तकलीफ होता है उसमें, जब बच्चा को 9 महीना रखा उसके बाद बच्चा ये किया उसके बाद सेवाएं समाप्त हो गया, तो ये ज्यादा तकलीफ होते हैं यार, 9 महीना तक इसको पाला पोसा। अब अगला केस क्या होगा कि बच्चा अब नर्सरी में आ गया, 1-2 साल तक कौन सी अवस्था है? पी स्टेज में। कौन सी? पी स्टेज। और ऐसे केस में बच्चा मान लिया जाए स्कूल जा रहा है छोटा बच्चा, एक्सीडेंट हो जाए, खेल खत्म हो गया, सेवाएं समाप्त हो गया, इससे ज्यादा तकलीफ होगी उस अवस्था में कि आप 2 साल के बाद आपका बच्चा संतान क्या हो गया? सेवाएं समाप्त कर दिया। सबसे ज्यादा दुख होता है ना अभी वाले अवस्था में। अब आप लोग निपट जाओ। अरे सर क्या बोल रहे, अभी तक मार रहा था तो अच्छा लग रहा था, वो अभी बोल रहा हूं कि तुम लोग निपट जाओ तो बुरा लग रहा है। अब मान ले जाए हम लोग निपट जाए, तो हम लोग को क्या माँ बाप का ना एक उम्मीद है या नहीं? हम कौन सी अवस्था तक आ गए? फ्लावरिंग स्टेज में। हम जवान हो गए, मैच्योर हो गए। माँ बाप बुढ़ापे इसलिए बनते हैं बेचारा, इसलिए पालते हैं कि भाई बुढ़ापे में हम सहारा बनेंगे। तो अगर मैं ही टपक जाऊं अभी तो माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ होंगे या नहीं? तो ये जो अवस्था है ना हमारी वाली अवस्था, ये वाली अवस्था। अब चलो लास्ट अवस्था क्या आएगा गुरुजी? लास्ट अवस्था आएगा सबसे ज्यादा तकलीफ कौन होता है जानते हो? बच्चा बन गया, बच्चा बन गए आप लोग सारे एकदम बन गए, लेकिन अनपढ़ रह जाए, जिसको बोलते हैं मूर्ख रह जाए, तो माँ बाप को सबसे ज्यादा कष्ट
वो छन होता है। कैसे? मूर्ख लड़का है, कुछ दिमाग नहीं काम करता है, रोज जाएगा दारू पी लिया, कहीं लड़के आएगा उसका बाप उससे लड़ रहा है, रोज लड़ेगा तो देखता होगा माँ बाप बोलते हैं अरे चंडाल इससे अच्छा था तू होता ही नहीं, बोलते हैं नहीं। तो सबसे ज्यादा डेली तकलीफ देने वाला कौन है? अगर बच्चा होकर भी क्या रह जाए, अनपढ़ रह जाए। इसलिए पढ़ना जरूरी है ना। अरे नौकरी लगे या ना लगे पागल, पढ़ते इसलिए थोड़े हैं कि नौकरी के लिए, पढ़ते हैं समाज में एक सभ्य व्यक्ति बनने के लिए कि समाज के साथ साथ अपन चल सके। ठीक है, आम में क्या होगा? आम आम लग तो गया लेकिन आम इतना खट्टा होना, मूर्ख मूर्ख का मतलब आम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मीठा, एकदम आम एकदम ऐसे छुए तो एक पेड़ को ऐसे देख के चार गाली देगा, साला किसका पेड़ था, एक काट देता इससे अच्छा क्यों रखा है। ये चीजें अगर फल लग भी गया एकदम खट्टा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? खत्म है, वो गाली ही सुनेगा। तो अब आपको दो कहानी समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा फल किस अवस्था में? पी स्टेज में। सबसे ज्यादा नुकसान किस अवस्था में? परिपक्वन अवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू, एक बार इमेज देखो, बाकी चीजें तो मैं समझा चुका हूं। ये है स्पॉन्जी टिश्यू। अगर आम में ऐसा ऐसा हो जाए, काला काला ऐसा हो जाए, ये जानते हो कौन सी वेराइटी है? अल्फांसो। आम की सबसे उन्नत वेराइटी अगर सारा गुण से भरपूर है तो यही है जिसका नाम क्या है? अल्फांसो। लेकिन अल्फांसो में सब चीज सब में मिलते नहीं है। यही भगवान का नीति है, सब चीज सब में मिलते नहीं है। और मिलते नहीं है तो बताओ इसमें क्या है? एक दिक्कत, स्पॉन्जी टिश्यू। ये क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है किसमें? अल्फांसो में। गुरुजी ये स्पॉन्जी टिश्यू होता कैसे है? मान लिया जाए आम का बाग है, उस एरिया में आम की बाग है जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, अभी कितने हो जाए 40, और एकाएक हो जाए 15 डिग्री तापमान, एकाएक 20 डिग्री तापमान, यानी गर्मी भी आए और ठंडा भी आ जाए लगातार, तो ये जो चेंजिंग होते हैं ना ये सह नहीं पाता है। उसके कारण हो जाएगा इसका पल्प गुदा इस तरह से, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी उत्तक। कभी स्पंज खाए हो? स्पंज का मतलब सफेद वाला रसगुल्ला खाए हो रे, तो उसको देखता होगा दबा दो और फिर छोड़ दो, अपनी अवस्था में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं? स्पंज। आगे बोल, अगला बात है ब्लैक टिप। देखो ये सब ब्लैक ब्लैक जो टिप है ना, ये मेरी इच्छा से पढ़ाई होती है। 10 मिनट में भी आम पढ़ा दिया, 10 दिन भी पढ़ा सकता हूं, एक दिन भाषण दे सकता हूं इस पे, ब्लैक टिप है क्या लगातार 3 घंटा? केवल ये होते कैसे? लेकिन इतनी जरूरत नहीं अपने को, केवल एक छोटी कहानी सुनो। जैसे ये आम है और आम के बाग लगा दिया, और आम के बाग हम वैसे एरिया में लगा दें जहां पे चिमनी हो, इर्द गिर्द क्या हो बताओ? चिमनी। ये इर्द गिर्द ना ऐसा चिमनी हो, ये चिमनी है, तो बताओ चिमनी से क्या निकलेंगे? बताओ गैस निकलेगा। कौन कौन सा गैस निकलेगा? सल्फर के ऑक्साइड। और कौन निकलेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो गैस निकलते हैं ना भाई, ये अभिक्रिया कर लेता है किससे? आम से। और आम के सबसे आगे वाले भाग देखो, यही काला क्यों होता है? प्रश्न पूछ सकता था यहाँ पे, गुरुजी ज्यादा काला क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सल्फर है। क्या है बताओ? सल्फर। तो ये आम के सबसे आगे वाले भाग में देखा होगा हरा ज्यादा होता है, ये हरा क्या होगा? एकदम ज्यादा हरा होते हैं ये आम बना ही देता हूं, ये आम क्या है? ज्यादा हरा एकदम, ये वाले आम ज्यादा, एक बार बना देता हूं तुझे आम, ये आम बन गए। अरे बन गए या नहीं? कौन सी आम है बताओ? कच्चा आम है ये आम, थोड़ा देर और ऐसे करूंगा तो बेल बन जाएगा ये। चलो ठीक है, अभी आप समझो ये आम बन ही नहीं रहे। चल हो गया, बन गया, अरे आम बन गए, आम बन गया, बन गया। ठीक है, अब जानते हो ये आम बनने के बाद क्या है? आम बना दिया ये, तो ये आम ठीक है, ऊपर भी हरा कर देता हूं, ये आम बन गए। अब यहां पे जानते हो क्लोरोफिल है, क्या है बताओ? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण क्या होगा? इस आम में धीरे धीरे यहां पे आएगा सल्फर। कौन आएगा? सल्फर। सल्फर जानते हो ब्लीच करता है। गुरुजी ब्लीच क्या होते हैं एक बार बताओ, ब्लीच क्या है? सल्फर का मेन फंक्शन क्या है? ब्लीच करना। ब्लीच का मतलब होता है जो ओरिजिनल रंग है ना इसको हटा देना। तो ये अगर सल्फर यहां से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कर रहा है, देखो सल्फर, सल्फर कर रहा है अभिक्रिया,
तो ये क्लोरोफिल को क्या कर रहा है बताओ, हटा रहा है। अगर ये लगातार सल्फर अभिक्रिया करेगा तो बताओ ये कैसा आम, कभी कभी आपने देखा होगा इस बाग में आम लगाते हैं ऐसा चित्तीदार आम आ जाते हैं, आते हैं या नहीं बताओ, आते हैं ना। तब वो इसका मतलब उस वातावरण में किस गैस की अधिकता होगी, सल्फर की। अगर जिस एरिया में इंडस्ट्री ज्यादा होते हैं ना, आप देखना वहां का आम ऐसा आएगा चित्तीदार आएगा। कैसा आएगा? चित्तीदार। क्योंकि अगर वातावरण में सल्फर है तो वो देखना नहीं चाहता है क्लोरोफिल को। किसको देखना नहीं चाहेगा? क्लोरोफिल से जाके अभिक्रिया करेगा, बोलेगा सल्फर एक ऐसा चीज है, क्या बताऊं तुझे। एक और समझते हैं, जैसे ये अभी तो आपने आम बना दिया, सल्फर आम कोई नहीं छोड़ता है। ये समझ लो एक मैं बना लेता हूं ऐसा एकदम काला वाला जामुन है, ये काला वाला, ये एकदम देखा है काला जामुन है। अच्छा ये जामुन की खूबसूरती किसमें है बताओ? कालेपन में। कई कई ना कई जगह काला चीज अच्छा लगता है, ध्यान रखना। जामुन में, जामुन तुझे लाल दूं तो लोगे? बोले नहीं नहीं करका ला सर, मजा लगता है वो करका में, तो करका मांगोगे तुम मेरे से। तो अब मैं काला जब लाऊंगा देख लो, तो ये इंसान भी मान लिया जाए हमारे जैसे काला है ऐसे, अब शादी विवाह करने के लिए जाते हैं तो ये गोरा हो जाएगा। कैसे? वो फेसियल करवाते हैं शरीर में, क्या करेगा? और फेसियल में क्या होता है? क्रीम में सल्फर, तो सल्फर रहेगा ना। सल्फर देखो जहां जहां सल्फर आएगा, मैंने क्या बोला, सल्फर का काम क्या है? ब्लीच कर देना। सल्फर का काम क्या है बताओ? ब्लीच कर देना। सल्फर का काम क्या है? ब्लीच कर। और ज्यादा सल्फर अगर लगा दिया, ज्यादा सल्फर, पैसा हुमच के दिया, अरे दूल्हा है रे पागल, 50,000 दे रहा है, अब 50,000 1,00,000 दिया, 1,00,000 दिया, तो ये दूल्हा का जो भाग शादी में दिखेगा ना उसको सबको ऐसा बना देगा। जो जो भाग दिखने वाला है दूल्हा का वो बना दिया ऐसा, जो भाग नहीं दिख रहा है वो उधर अभी भी काला है, उधर अभी भी क्या है, लेकिन जो भाग दिखने वाला एकदम चकाचक पूरा, ये दूल्हा बन गया। ये कहलाता है ब्लीच। क्या कहलाता है? समझ गए ब्लीच? आज के बाद जीवन में भूलोगे, कभी भी जीवन में आ जाए ब्लीच का मतलब क्या होता है? नेचुरल जो रंग होता है ना उसको चेंज कर देना, नेचुरल रंग को क्या कर देना? चेंज कर देना। तो बताओ ये हरा है तो इसका ब्लीच किसके साथ हो रहा है बताओ? काले के साथ। तो ये नेचुरल रंग को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और आगे इसलिए ज्यादा काला होता है क्योंकि क्लोरोफिल का एक्युमुलेशन, जमाव सबसे ज्यादा कहाँ होता है? टिप पे होते हैं, इसलिए टिप पे कैसा हो जाएगा? काला। अगर ऑप्शन में आ जाए कि सल्फर, NO2, चिमनी का धुआं, चिमनी, और चिमनी जानते हो अंग्रेज लोग चिमनी थोड़े बोलते हैं पागल, वो उसको बोलते हैं ब्रिक्स, नहीं ब्रिक, ब्रिक्स नहीं, BRICK, ब्रिक क्लिंक, ब्रिक क्लिंक। देख याद करना भी मुश्किल पड़ता है, उसको चिमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आ जाए तो SO2 रीजन हो गया, NO2 हो गया, और उसके बाद अगर बोरोन की कमी आ जाए तो क्या टिक करोगे? बोरोन। इन सब कारणों से होता है क्या? ब्लैक टिप। और इसके उपचार के लिए क्या डाल दोगे? बोरेक्स। क्या डालोगे? कितना प्रतिशत डालेंगे? 0.6%। क्या डालेंगे? चलो फालतू, अरे ऐसे भी होटी आता है ना तो ऐसे निकलने लगते हैं शब्द, पता नहीं फालतू। ये झुमका कभी देखे हो लेडीज लोग का झुमका एक कानों में पहनती है? अब आजकल तो लड़कियां एक एक ही एक एक पीस पहनती है, बेचारे ज्यादा नहीं पहनती है, मॉडर्न युग आ गए है, पहले की सारे चीज खत्म हो गए, एक छोटी सी, अब तो झुमका भी नहीं पहनती, वो कान में देखती होगी छोटी सी वो लकड़ी डाल देती है, छठी छठी होती है ना वो। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे डाले रखते हैं, नीम वाले ही डाल के काम चला लेते, नहीं डालते हैं। हाथों में देखा होगा पहले चूड़ी उड़ी पहनते थे, अब खत्म हो गया, पहले सिंदूर करते थे खत्म हो गया, अब शादी उदी दिखाती ही नहीं कि मैं शादी शुदा हूं। वो ये बताना चाहते कि अभी भी आपके पास ऑप्शन है। पहले के लड़कियां यहां से शादी, देखो हमारे बिहार में देखा होगा छठ पूजा देखे हो ना, यहां से औरत करती है वो पूरी यहां तक भारी पड़ती है। मैं भी कभी मैडम को बोलता, अरे एक बार कम से कम बता तो दे कि शादी शुदा है। नो ऑप्शन, कुछ भी नहीं। तो ये आजकल की है छोरियों में थोड़ी सी परंपरा ज्यादा चल रहा है। हमारे लड़के को, हमारे लड़के तो मस्त हैं, कुवारा रहे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, शादी शुदा रहे तो ऐसे ही कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे जीवन ये झुमका, क्या समझ में आया बताओ? झुमका का मतलब क्या होता है? गुच्छा। क्या होता है? तो चाहे ये झुमका आपको लीची में पूछे, किस में पूछे? लीची में पूछे, या ये झुमका आपसे पूछ ले आम में,
लीची या आम में, किसमें किसमें, लीची या आम में। आप याद रखना कमी क्या होगा, जिंक की कमी, किसकी कमी के कारण, जिंक की कमी। ये छोटी मोटी दो चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लीफ स्कॉर्च की बात करें यानी पत्तियों का जल जाना, देखो आप पहले इमेज देखो इस तरह से पत्ती जल जाए तो ये किसकी अधिकता के कारण होती है बताओ, पोटास की अधिकता और धूप ज्यादा हो, प्रकाश क्या हो ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, लीफ स्कॉर्च, ठीक है, पत्ती का जल जाना। इंटरनल नेक्रोसिस, देखो आम में इस तरह की समस्या भी होती है जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, क्या बोलोगे, नेक्रोसिस, कहीं भी आम आ जाए नेक्रोसिस, सॉरी नेक्रोसिस शब्द कहीं भी आ जाए बोरोन की कमी के कारण, किसके कारण, तो ये कहां कहां आपको देखने को मिलेगा, अ से आम में देखने को मिलेगा, अ से अनार में देखने को मिलेगा, अ से आंवला में देखने को मिलेगा, अ से अंजीर में देखने को मिलेगा, अ से अंगूर में भी नेक्रोसिस आजकल देखने को मिलेगा। लेकिन ये तीन पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, नेक्रोसिस, और कहीं भी आएगा तो किसकी कमी के कारण, बोरोन। तो बोरोन की कहानी आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी बोरोन का विकार बनेगा ना, बोरोन, तो दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। एक तो क्या आएगा बताओ, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहीं भी आ जाए किसकी कमी के कारण, बोरोन। अगला भी आपने इंग्लिश में लिख रहा हूं, ब्लैक टिप, कभी भी ब्लैक टिप आ जाए तो किसकी कमी के कारण, बोरोन। अगर कभी ब्राउनिंग शब्द आ जाए, बी आर ओ डब्ल्यू एन आई एन जी, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब होता है भूरापन, क्या होता है बताओ, भूरापन, किसमें होता है गुरुजी, कॉलीफ्लावर में, किसमें होता है, कॉलीफ्लावर में, किसमें होगा, कॉली। एक दो दिन क्या करता हूं ना मैं, इस टाइम में क्वेश्चन करवा देता हूं तुझे, पहले इतना ऐसे क्या तुम थोड़ा बोर बोर जैसा फील करते हो, जितना तुम पढ़े हो ना क्वेश्चन हो जाएगा, जनरल खूब हो गए हमारे। तो ब्राउनिंग किसमें है बताओ, कॉलीफ्लावर में। अगला मैं फलों का फटना की बात करूं, जिसमें आप बात करोगे फ्रूट क्रैकिंग, क्या बात करेंगे बताओ, फ्रूट क्रैकिंग। तो ये फल कहां कहां फटते हैं, अब अलग प्रश्न बनेगा, देखो ऐसा ऐसा, तो ये आम में भी फल फट सकता है, ये फलों का फटना कहां होते हैं, लीची में भी फलों का फटना, आप जानते हो अनार में भी क्या होता है, फलों का फटना का समस्या है। केवल फलों की फटने की समस्या मैं यहां लिख देता हूं, सेब और टमाटर को छोड़कर, किसको, सेब प्लस टमाटर, इसमें अगर आ जाए फलों की फटने की समस्या तो आप याद रखना कैल्शियम के कारण, किसके कारण, कैल्शियम। बाकी जगह अगर बाकी बाकी जितना तेरा काम हो जाएगा, बाकी में सब क्या याद रखना बताओ, बोरोन के कमी के कारण क्या आएगा बताओ, फलों के फटने की समस्या। नेक्रोसिस कहीं भी आ जाए, नेक्रोसिस अभी लिखा हूं तीन चार जगह, कौन कौन, आम में लिख लेना, और कौन है, आंवला में लिख लेना, एक दो और अनार में, इन सब में तीन में अपन याद रखेंगे किसके कारण है, बोरोन के कमी के कारण, किसके कमी के कारण, बोरोन के कमी के कारण। चले आगे बढ़े, नहीं तो इसी में उलझे रह जाएंगे अपने। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पेस्ट। देखो दो तीन नाम लिख देना है केवल कीटों की, ज्यादा इंग्लिश नहीं देखना, और हमेशा ये नट बीविल हमें कोई काम का नहीं है, मैंगो मिली बग एक याद रखना है, बग है बी यू जी बग, एक तो इसका नाम याद रखना है मैंगो मिली बग का, और दूसरा मैंगो हॉपर का। कौन कौन नाम याद रखोगे वही लिख लो, मैंगो हॉपर का, अगर इसका साइंटिफिक नेम याद कर सकते हो तो कर लेना, इसका भी कर सकते हो तो कर लेना, बस दो, और एक फ्रूट फ्लाई। लेकिन हमारे हिसाब से अगर प्रश्न आएगा तो केवल दो इसके इंपोर्टेंट कीट बनेंगे, मैंगो मिली बग और मैंगो हॉपर। कौन कौन बनेगा, मैंगो मिली बग और कौन है, मैंगो हॉपर, बस दो ध्यान में रख देना, दो कीड़े भी आपको दिमाग में आना चाहिए। बाकी मैं पहले भी आपको दो कीड़े का नाम बता चुका हूं कौन कौन, एक का नाम मैंने बोला था फ्रूट फ्लाई, और एक का नाम आप जानते हो स्टोन बीविल, क्या नाम था, स्टोन। और एक कीट और संबंधित है आप जानते हो हाउस फ्लाई, जो क्या करता है इससे बताओ, पोलिनेशन, क्या करेगा, पोलिनेशन यानी परागण की क्रिया करते हैं। तो पांच कीट हम ऐसे ही ऑलरेडी याद रख लिए। चले अब देखो सुपरवाइजर का एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, लाल सिंदूरी
सिंदूरी था, लेकिन ध्यान रखना ये देखो अपने नोट्स से ही डायरेक्ट है, लाल सिंदूरी किसका रेसिस्टेंट वेराइटी है, पाउडरी मैल्ड्यू। और अगर यहां पे एग्जाम में आ जाता केवल सिंदूरी आ जाता, कौन सा आ जाता, सिंदूरी। इसी सिंदूरी को हम बोलते हैं भगवा, क्या बोलते हैं भगवा। और ये वेराइटी है मेरे भाई, ये है अनार का, किसका है बताओ अनार का। मंजीरा किस्म जो है किसका किसका क्रॉस है, तो रूमानी का है और नीलम का। आपको मैंने रूमानी बताया था, इसका सेब कैसा होता है बताओ, एप्पल सेब, सेब के जैसा किसका सेब होता था, रूमानी का, किसका है रूमानी का। अभी हमने बताया था जरदालू किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताओ, आ जाए आम। आम में कम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, सील का मतलब कभी भी आपको ट्रॉपिकल फ्रूट्स की चर्चा चले ना तो ये कॉमन चीज है, ट्रॉपिकल और समशीतोष, यानी जो तो ट्रॉपिकल है जैसे आम है पपीता है, कुछ भी इधर का आ जाए ये सब कम ताप के प्रति क्या होंगे, संवेदनशील। आपने देखा होगा बेर को अगर आप कम तापमान दे दो तो बेर अच्छा नहीं होगा, खजूर को दे दो कम तापमान वो भी अच्छा नहीं होगा, अनार को दे दो कम तापमान ये भी अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये रटना थोड़े पागल, ये सारे होते हैं कम तापमान के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील क्या होता है गुरुजी, जिसमें ठंड जल्दी लगे, जैसे देखा होगा पंखा बंद करता हूं तो 10 लड़के को गर्मी लग रहे हैं, गर्मी तो सबको लग रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा लड़का होगा ना बोल देगा कि अरे सर पंखा चालू करो, इसका मतलब वो गर्मी के प्रति क्या है, संवेदनशील। जैसे ही गर्मी आएगा ना तो वो अकबकाएगा, क्योंकि उसमें गर्मी सहन नहीं हो रही है तो वो जल्दी बोल देगा। कई लड़के ऐसे हैं जो टॉलरेंस है, कोई मतलब नहीं, कितना भी गर्मी रहे मस्त चल रहा है जीवन, कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है बताओ, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब सह सकता है। और कई लड़का जैसे हमारे पिताजी मजदूर ये सबको प्रतिरोध मान लो, गर्मी से उनको कोई अंतर नहीं पड़ते हैं, खेत में बेचारे काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो वो रेसिस्टेंट, क्या है वो रेसिस्टेंट। समझ में आ गई तीनों बातें, चलो भाई। अब ये भी पूछता है बताओ, आम की जो गुठली होती है ना उसकी कितनी आयु होती है बताओ, लॉन्जिविटी कितनी होती है, 30 दिन की, कितनी होती है 30 दिन के। तमिलनाडु में आम एक साल में कितने बार आते हैं, और सोचो हमारे तरफ दो साल में एक बार आता है, दो साल में एक बार, उधर एक ही साल में अंतर है, इसका मतलब दो साल में कितनी बार आम आ गई, चार बार, और हमारे यहाँ दर्शन ही नहीं देते। ये हो गए आम आपका संपूर्ण रूप से समाप्त। तो आपको एक रिवीजन भी करा दिया, आधा घंटा लगा, कोई नहीं, ठीक है, मस्त रहो आप लोग। अब आज की टॉपिक हम शुरू करेंगे, जो आज का टॉपिक है जिसका नाम क्या है बताओ, केला। केला कहाँ है ही नहीं, अरे राजेश सर केला कहाँ छोड़ दियो यार, खेला है ही नहीं इसमें, लाओ अंदर कहाँ है खेला यार। लो भाई लाओ जल्दी जल्दी, चले तब तक बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं अपन। क्या है आज का टॉपिक बताओ, आज का टॉपिक का नाम क्या है, बनाना। क्या है, इसे हम कहते क्या है, केला, ठीक है। चलो देखो साइंटिफिक नेम तो आपको याद करना ही है, उसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्या नाम है तो इसका, अगर सबसे पहले हम बात करें वो सब छोड़ दो, अपने कॉलेज की पढ़ाई की तरह इसको अगर पढ़ें तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इसका अगेन क्या, जलवायु। क्या पढ़ेंगे बताओ, और जलवायु को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। कई टीचर हैं ऐसा ही शुरू करेगा बोटनिकल नेम, भाई उसमें टीचर का कोई योगदान नहीं। अब बोटनिकल नेम जो आपको माँ बाप नाम दे दिए उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है तो है, कोई धाकड़ है तो धाकड़ है, कोई मीना है तो है, गुज्जर है तो है, वो हमें याद करना पड़ता है इसीलिए क्योंकि हमें फी कलेक्शन करना है उससे, करना है ना। वैसा ही आपको नाम और फैमिली याद रखना है, उसमें टीचर कुछ नहीं करेगा कि इसका बेटा नाम होता है मूसा पेरा डेसिका, मूसा
पेरा ये है तो है इसका, और फैमिली क्या है मुजेसी है, तो ये तो आपने लिखा हुआ आएगा उसमें अपन क्यों समय बर्बाद करें, तो ये फालतू चीजें है उसकी तो छोड़ दो। हम बात कर रहे हैं किसका बताओ जलवायु, तो जलवायु में मैंने लिखा ये कैसा होगा बताओ उष्ण, कौन सा फल होगा उष्ण, और आप जानते हो उष्ण का मतलब ये क्या है ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल मैंने याद कराया था कि आपको जाना है कहां बताओ बैंगलोर, कहां चला जाना है बैंगलोर, तो हम भारत के कहां आ गए निचली हिस्से में, कहां आ गए निचली हिस्से में, यहां आ गए ये वाले क्षेत्र पे आ गए। इधर कौन कौन सा फल मैंने बताया था आपको याद होगा, एक तो मैंने बोला था आम, दूसरा हमने बताया क्या पपीता, तीसरा हमने बताया क्या केला, क्या बताया था केला, फोर्थ नंबर आपको बताया कौन है अमरूद, क्या बताया अमरूद, फिफ्थ नंबर की बात करें तो आपको मैंने बोला था कटहल, उसके बाद हमने उष्ण की बात किया था क्या बोला था चीकू, क्या बोला था चीकू, ये सारे क्या है उष्ण प्रदेश का फल है, कौन सा प्रदेश का है उष्ण प्रदेश का, और इसके लिए आपको जलवायु की बात यानी तापमान की हमने बात जो किया था वो किया था 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। स्पेशली मैंने आपको केला के लिए लिखा था कि केला का आता है और वो आता है कितना 26.5 डिग्री सेल्सियस। यहां तक मैं बताइए किसी को कोई समस्या नहीं है ना, तो ये कंप्लीट कर चुके थे पहला टॉपिक जिसका नाम क्या था जलवायु, क्या नाम है जलवायु। दूसरा मैंने बात किया कि अगर इसका भंडारण की चर्चा करेगा तो भंडारण आपको याद होना चाहिए, भंडारण मैंने बोला था 13 डिग्री सेल्सियस, कितना बोला एग्जैक्ट इसका 13 डिग्री सेल्सियस किसका होना चाहिए बताओ। देखो जितने उष्ण फल होते हैं ना ये इन सभी का भंडारण आपको याद रखना है 8 से 12, 8 से 13, दो को स्पेशल याद रखना है, आम को इसका 8 से 9, 7 से 9 डिग्री के आसपास इसका याद रखेंगे, और केला का आपको याद रखना है जो मैंने याद कराया दिया 13 डिग्री सेल्सियस, कितना है 13 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अब इसमें हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब आता जाएगा, तो भंडारण के बाद आपको दूसरा पॉइंट आएगा इसका फल प्रकार, क्या आएगा बताओ फल प्रकार, तो फल प्रकार आप जानते हो केला कहां लगता है गुच्छा में लगता है, और गुच्छा में लगेगा तो इसका फल प्रकार क्या कहलाएंगे बेरी, क्या कहलाएगा बेरी, बेरी किस किस का होगा तो टमाटर के होंगे, और किसका होगा बैगन का होता है, और किसका होगा मिर्च का होता है, और किसका होता है आलू का होता है, और किसका होगा इधर अब लिखता हूं अंगूर का होगा बेरी, उसके बाद किसका है अमरूद का बेरी है, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो केला का बेरी है, उसके बाद अगर बोलूं तो पपीता का बेरी है, उसके नीचे अगर बोलूं तो चीकू का क्या है बेरी। अगर मेरी इच्छा हो ना तो मैं सारे कुकरबिट्स भी लिख सकता हूं किसमें है बेरी में, किसमें है बेरी में, अगर मैं लिखूं अनार तो ये भी गुच्छा में लगते हैं, ये भी क्या है बेरी में, अगर मैं सारे नींबू वर्गीय लिखूं तो ये भी क्या है बेरी में, अगर मैं चाहूं तो एक और लिख सकता हूं जानते हो कौन 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 कैप्सूल, सब जो कैप्सूल है वो भी किसका रूपांतरण है बताओ बेरी, 5 हो गया, एक और आ जाते हैं एम्फीसर का, क्या है एम्फीसर का, ये भी क्या है बताओ बेरी, ये भी क्या है, ऐसा नहीं कि अगर बेरी में लिख दूं तो कई लड़का लड़ने के लिए आ जाते हैं ये बेरी नहीं है, तो मानना वो नॉलेज नहीं है वो तो रट रहा है केवल। अब कुकरबिट्स इसका अगर फल प्रकार बोलूंगा तो क्या है बताओ पोम, कि पेपो, पोम तो सेब नाशपाती ये हो गया पेपो, अनार का अगर बोले तो क्या है बेलास्टा, क्या है एक ही बार तुझे पढ़ाया हो जीवन भर ने भूलोगे, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम ये हो गया किसका नींबू वर्गीय का। कैप्सूल किस किस में पाया जाता है कैप्सूल 10 आपको लिखवाना है, एक ही बार में 10 लिखेंगे, शुरू से गोल वाला शुरू करते हैं, सबसे पहला आंवला, उसके बाद कौन है अफीम, उसके बाद कौन है अरंडी, उसके बाद कौन है अरंडी के बाद धथुरा, उसके बाद कौन है कपास, अरे भिंडी गोल ने अभी, उसके बाद चुकंदर, सलजम लिख दिया चलो सलजम, उसके बाद कौन है चुकंदर,
चुकुंदर, उसके बाद रतन जोत, रतन जोत, उसके बाद तिल, उसके बाद क्या, भिंडी, कौन हो गया, तो पांच और पांच कितने हैं? इसके फल प्रकार क्या हो गया, कैप्सूल। जितनी बार पढ़ोगे अभी, जितना बार वो मैं लिखूंगा, सोचो मैं कितना बार लिखता हूं, बेल, ये क्या है, बेल। तो जिसका फल प्रकार ये क्या हो गया बताओ, बेरी, क्या कहलाया, बेरी। अब हम बात करेंगे पपीता में, सॉरी केला पढ़ रहे ना, तो केला में उत्पादन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहला ऐसे सब समझ के चलते हैं, अब बात करेंगे किसका, उत्पादन। तो उत्पादन में जानते हो क्या है, केला अगर अपने उत्पादन की बात करें तो पूरी फलों में नंबर वन है, फर्स्ट रैंक किसका है बताओ, केला का, फर्स्ट रैंक किसका है, केला का। अगर उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब समझते हो, प्रोडक्टिविटी, क्या है बताओ, प्रोडक्टिविटी, तो भी केला का रैंक कितना आएगा, फर्स्ट। अगर हम बात करें इसका विश्व में स्थान की बात करें, विश्व में स्थान, एकदम छोटी छोटी प्रश्न ऐसे लिखना है पागल, विश्व में स्थान, तो भी रैंक कौन आएगा, फर्स्ट। और अगर राज्य फर्स्ट की बात करें कि भारत में कौन सा राज्य फर्स्ट है, तो अब कौन हो गया बताओ, आंध्र प्रदेश, और इसके पहले कौन था, तमिलनाडु। लेकिन देखो अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, वो टीचर क्या करे, ये हर साल डेटा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा बेचारा तमिलनाडु पढ़ लिया और दोनों ऑप्शन हो जाए, और कोई नया डेटा पढ़ के चला गया और उसमें इसमें कुछ देते नहीं है, तो बेचारे राम भरोसे, किसके भरोसे हैं, हाँ। तो ऐसे प्रश्नों में कोई तेरा हेल्प नहीं कर सकता, डेटा में कोई हेल्प नहीं करेगा, इससे अच्छा है डेटा हमेशा एक दो साल पुराना ही याद रखो, कौन याद रखे, पुराना, नए डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, कोई नहीं पूछते रे नया, एक आध साल पुराने वाले से काम चल जाएंगे, बहुत पुराना नहीं, लेकिन लड़के मरते रहते हैं, न्यू डेटा कुछ नहीं, और कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया कहानी, अब हम इससे स्लाइड से आपको खोल करके बताता हूं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बनाना कल्टीवेशन की बात करें, चले चलिए, अच्छा देखें, इसी स्लाइड में बहुत सारे चीज आपको समझने को मिलेंगे, पहले आप इस पॉइंट को देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से देखो, सबसे पहला पॉइंट तो अपने एग्जाम में यही पूछेगा, ये जो केला है इसको हम बोलते हैं फिंगर, क्या बोलते हैं बताओ, आज के बाद इस केला को केला नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, फिंगर शब्द दो में यूज होते हैं, अगर सब्जी बोला जाए और सब्जी में फिंगर हो जाए तो वो शब्द यूज करोगे ओकरा में, और अगर हम फ्रूट की बात करें और फ्रूट में फिंगर शब्द यूज करने के लिए बोले तो हम बोलेंगे किसमें, केला में, किसमें बोलोगे। ये दो पॉइंट याद रहेंगे कि केला का ये क्या कहलाता है बताओ, फिंगर, क्या कहलाएगा। बहुत सारे केला का ये फिंगर जुड़ा है, ये वाले पूरा, ये वाले जो भाग आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे आज के बाद बंच, क्या बोलोगे बताओ। दो पॉइंट आपने सीखा इसमें, किसे बंच बोलोगे और किसे फिंगर बोलोगे, समझ में आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, फिंगर, उसे क्या बोलोगे, बंच। अब केला में ये वाले भाग देखो, जो हरा केला है ना, दोनों देखो आप, ये कैसा केला दिख रहा है, ग्रीन, तो ग्रीन में देख रहे होंगे ये नोकीला ज्यादा है, ये वाले भाग जो आपको दिख रहा होगा ये नोकीला क्या है बताओ, ज्यादा, इसको अब बोलेंगे एंगुलारिटी, एंगुलारिटी ऑफ फिंगर, इसको क्या बोलोगे, एंगुलारिटी ऑफ, क्या कहलाएगा बताओ, फिंगर। यानी ये वाले निशानी है इसका किसका, परिपक्वता का,
परिपक्वता का, जिसको मैच्योरिटी इंडाइसेस बोलते हैं, कि कैसे पहचानेंगे, तो आप बोलोगे एंगुलरिटी ऑफ फिंगर, यानी ये जो फिंगर है धीरे धीरे पकने के साथ ये भरता जाएगा। देखो भर गए ना, ये नोकीला है, धीरे धीरे ये यहां से रोएं गायब हो जाएंगे और यहां पे गुदा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुदा। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलरिटी ऑफ फिंगर। क्या बोलोगे? एंगुलरिटी ऑफ फिंगर। ये एक अच्छा प्रश्न आपको बनेगा। अब केला होता क्या है बताओ? क्लाइमेट्रिक होते हैं। क्या है बताओ? क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक का मतलब ऐसे फल जिसको हम तोड़ लेंगे और तुड़ाई के बाद ये पकेगा। तुड़ाई के बाद ये क्या करेगा बताओ? पकेगा, पकेगा। तो इस केला को इस अवस्था में भी हम तोड़ सकते हैं। हरे अवस्था में तोड़ दोगे, दो चार पांच दिन मान ले जाए, इस केला को तोड़ा महाराष्ट्र भेजना है तो 3 दिन तो इसको जाने में लगेंगे बेचारा। और इस अवस्था पे अगर तोड़ लिया तो केला अलग हो जाएंगे, छिलका अलग हो जाएगा, बोलेगा मैं इधर ही रह गया, गुदा वहां पहुंच जाएंगे, तो ये बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं उसको कच्चा, जो थोड़ी सी कच्चा रहेंगे उसी अवस्था पे तोड़ लेते हैं, ताकि वो चलते फिरते ट्रक में हिलते डोलते पकेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? पकता जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां से, देखो दो चार पॉइंट। वनस्पतिक नाम की बात किया तो क्या है बताओ? मूसा पेराडेसिका। क्या नाम है? मूसा पेराडेसिका। और इसकी फैमिली की बात करें तो वो क्या है? मूजेसी। कौन सी फैमिली है? मूजेसी। उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ है? भारत। किसका किसका है? बेल का, कागजी नींबू का, फालसा का और किसका है? जामुन। इन सब की उत्पत्ति कहाँ है? भारत। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो कितना है? 333। कितना है? 33, त्रिगुणित है। बेसिकली अगर हम बात करें तो केला में ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, ये दिख रहा है केला का फ्लावर। क्या दिख रहा है बताओ? केला का फ्लावर। कितने अच्छी फूल दिखा बताओ? ये आपको कच्चा केला है, अब हम क्या बोलेंगे? फिंगर। ये क्या है? बंच। और ये जो फूल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है मेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर है बताओ? MALE, मेल फ्लावर, जिसको जीवन में कोई पूछने वाला नहीं है बेचारा को, मेल फ्लावर। ये जो आपको दिख रहा है ये फूल धीरे धीरे, ये सब सारे ये क्या है? फीमेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर है? फीमेल। तो बताओ फीमेल से तो अब क्या बन रहा है? केला बन रहा है। मेल वाले बेचारा ये ऐसा ही आगे निकला हुआ है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, अब पोलिनेशन होना नहीं है, फीमेल अपनी परिपक्वन को प्राप्त कर रही है। अगर यहां से पोलन ग्रेन और जाता फीमेल के पास तो केला में, जानते हो ये केला है, इसमें और क्या आ जाता? अंदर में सीड आ जाता। क्या आ जाता बताओ? सीड। क्या आता? सीड। अब ये आता सीड, पर बताओ हमें किसी को सीड चाहिए? नहीं चाहिए। तो केला जो त्रिगुणित होते हैं पूछेगा ये केला क्या है? खेती योग्य केला है। कैसा केला है बताओ? तो एग्जाम में यही पूछेगा, इंडिया में जो खेती योग्य केला होते हैं वो कैसा है बेटा? 2x है या 3x है? तो क्या है? 3x। और 3x को क्या बोलते हो? त्रिगुणित। क्या बोलते हैं? त्रिगुणित। केला जो इंडिया में खेती योग्य है वो कैसा केला है बताओ? त्रिगुणित। लेकिन जो जंगली केला है, जंगली जो जंगलों में होते हैं, जिसको बंदर खाते हैं, जंगली केला जिसको कौन खाते हैं बताओ? बंदर खाते हैं, इसको बंदर खाते हैं, ये होता है द्विगुणित, यानी 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना होता है? 22। कितने होते हैं? 22। और ये कितना होगा? 3x। 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू 33। कितना होता है? 33। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 33, और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 22। कितने होते हैं? 22। जंगली केला में गुणसूत्र कितना होता है? 22। जबकि जो खेती योग्य केला है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 33। ये प्रश्न आए हुए हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये कैसा है? 3x वाले बोला जाए तो ये कैसा होता है बताओ? बीज रहित होते हैं। कैसा होता है? बीज रहित होते हैं। और ये कैसा है बताओ? जंगली जो केला है इसमें सीड होंगे। इसमें सीड होगा या नहीं? इसमें सीड होंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया?
जंगली केला और खेती केला का समझ में आ गया आपको? चले अब हम अगला पॉइंट कर रहे हैं। आपको केवल फूल दिखाया मैंने कि ये कौन सा फूल है मेल और ये कौन सा है भाई ये फीमेल है। बाद में क्या होता है देखो, किसानों को क्या समस्या आने वाली है, ये पेड़ है यहाँ पे। अब यहां से पोषक तत्व जाएंगे 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 पोषक तत्व, और इससे घूमता हुआ पोषक तत्व कहाँ आ रहा है बताओ? नर के पास। कहाँ आ रहा है? नर के पास। तो ये नर ना अंतिम में, मादा जो होती है बेचारी सॉफ्ट होती है। क्या होता है? सॉफ्ट। पोषक तत्व कहां से आ रहा है फिर से समझो, पोषक तत्व कहां से आ रहा है एक बार फिर से समझो, इधर मैं ला रहा हूं। न्यूट्रिएंट्स कहां से आ रहा है? यहां से पेड़ है, ये पेड़ है, और इस पेड़ से पोषक तत्व चला और चलते हुए बोला कि चले भाई चलते हैं पोषक। अरे यार काला क्यों हो रहा है? अब ये आ रहा है देखना, इधर से बना देता हूं ये बंच, बना दिया। अब ये बंच से घूमता हुआ कहां आ रहा है बताओ? अपने मेल के पास। कहां आ रहा है? ये मेल के पास। अब ये जो घूमते हुए आ रहे थे ना यहां पे घूमते हुए, तो ये मादा के पास, ये मादा का सब केला बना देता हूं ऐसे ऐसे, ये केला है सब, ठीक है ये केला है। अब यहां पोषक तत्व सारे मादा बेचारी पति के लिए त्याग करती है, नहीं 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 अभी पति खाना नहीं खाए। देखते हो पहले पुरानी औरत, ये ना इतना मजा आ रहा है ना हमें पृथ्वी को देख करके। पहले ना नर बहुत सारे सताया औरतों को, खूब डमाडम इतने बड़े बड़े लठ से मारता था। वो श्राप मिला और हमारे एज के बच्चे को झेलना पड़ रहा है। अभी और झेलोगे चंडाल देखना ना, अभी अभी तो ये लोग का टाइम आ रहे हैं, अभी वक्त आया है नारियों का। तो ये क्या थी, पहले की नारी थी ऐसे नारी होती थी, वो बोली कि नहीं नहीं पति अभी खाए नहीं। अब पति के पास खाना पहुंच जाता था, पति तो जानते हो कम खाने वाला है नहीं, खा के देखे ऐसे मोटा हो रहा था, पूरा खा करके उसके बाद बोलेगा कि अभी कितना रोटी दी, 12 रोटी, अभी छाछ लाओ, और छाछ उछ पी उ के दम ऐसे करता हुआ घर के बाहर पेट उठ सहला के निकलेगा। एक दिन इसको वैज्ञानिक देख लिया, केला पे साइमन और सेफार्ड नाम का दो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, वो गौर कर लिया कि भाई ये रोज रोज क्या है, पोषक तत्व किसान देता है। आपको पता होगा केला हैवी फीडर है, इसको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, पोषक तत्व क्या चाहिए ज्यादा। केला को लगातार 3 साल आप किसी भूमि में लगा दो ना, वो भूमि बंजर बन जाएगी, इतनी ताकत होती है किसमें, केला में। और पोषक तत्व को निचोड़ के ये खींच लेता है, कहां से, जमीन से, इसको बोलते हैं हैवी फीडर। पोषक तत्व को क्या करेगा, खखोड़ के, जिसको कहते हैं ना खखोड़ के, कहां निकाल लेगा, ऊपर। तो पूरा जमीन से खखोड़ के कहां ले जा रहा है, ऊपर। और ये सारा किसको दे रहा है, फालतू के मेल को। और मेल खाना खा करके, छाछ पी करके, तंबाकू दबा करके बोलता है थोड़ा घूम के आता हूं गांव। ऐसे होते हैं ना आधा घंटा थोड़ा घूम के, थोड़ा बहुत जो थाली उली में बचते हैं, देखते हो भारतीय नारी पति का जूठा भी प्रसाद समझ के ग्रहण करती। आहा, अब गया वो जमाना, देख नाक में ऐसे सिकरा रहे, मतलब गया सर पहले था वो सब, ऐसे ऐसे मड़ मड़ के ऐसे दे देते हैं, पति खा लेंगे उसके बाद थाली रख देते हैं, लो भाई खाना, खराब लग रहा है ना, देख रहे हो रे चंडालो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, देख रहे हो खाने के लिए तैयार नहीं है रे गधो, तेरे साथ कितना मैं तुझे जगाऊं, तुम पत्थर हो जगते ने, फिर भी तुम्हें क्या ये कोई फोन कर दे कटे है? हरे राम सर गए भाड़ में हटाओ, इतने है तुरंत बदल जाते हो रे, जबकि अपनी कीमत नहीं। मैं कितना हर क्लास में 10 मिनट जगाने की कोशिश करता हूं कि जागो नर जागो, पर नर तो जागने वाला है नहीं, नर बस में आ गया गधे ये। चलो आ जाओ इधर, कहानी सुनो, अब देखो नर की क्या होगी जाएगी बेचारा का। यहां कौन वैज्ञानिक देख लिया था बताओ? साइमन और सेफार्ड, दो वैज्ञानिक यहां पे देख रहे थे, जिनका नाम क्या था, साइमन। साइमन और सेफार्ड को लगा रहे पागल, अभी तक भी वही नारी है प्राचीन युग वाले, जो खाना सारे दे रहा है किसको, पति को। तो साइमन ने सोचा कि जब तक ये पति रहेगा ना तब तक ये महिला अपनी त्याग करती रहेगी, क्या करती रहेगी, त्याग।
पुराने जमाने की महिला है, ये त्याग करती रहेगी। साइमन ने क्या बोला? अगले दिन खाना आने से पहले इस पति को ही काट दिया, हटाओ, इस पति को ही क्या कर दिया, यहां से काट दिया, और पति गिर गया पेड़ के नीचे। महिला ऊपर से देखी, आ पति गए, सारा ऊपर से महिला, ये जितने 50 महिला सारा रोने लगी। अब खाना किसको, एक ही पति है ही, एक ही। साइमन सेफार्ड मुस्कुराते हुए गया और बोला, तेरे लिए ही किया हूं, आज नहीं कल हरे राम जब आएगा ना तो मेरा इतिहास लोगों को बताएगा कि एक व्यक्ति था जिसने महिलाओं को भलाई किया। क्या फायदा हुआ, एक दो दिन रोली रोली, जब जब पति को देखे ये केला तब तब रोते रहे, हा पति खाना न खाए। साइमन को लगा, यार ये एक और समस्या कि जब जब ये देखेगी ये रोते रहेगी तब खाना खाएगी नहीं, जिस पोषक तत्व को हमने बचाने के लिए इतनी मेहनत किया इसकी बीवी खाना नहीं खाएगी। तो इसने इसको उठाया यहां से और रख दिया इसको, जानते हो कहां, मंडी में। कहां रख दिया, मंडी में, और मंडी में इसकी कीमत लगा लिया 15 से 20 रुपया, केला ले लो 20 रुपये, 20 रुपया में बिक गया नर बेचारा, इतना बड़ा भूभाग बिक गया केवल नर कितने में, 15 से 20 रुपये। आप देख लो हमारी कीमत क्या है पागल, कितने रुपए में हमें सेल कर दिया गया, 15 से 20। अब साइमन को यह फायदा लगा, एक नर के कारण, देखो ये केवल 15 रुपये का माल था, और ये बंच जो बनेगा ना, ये बंच 50 केजी का बंच बनता है, कितने केजी का, तमिलनाडु में 50 केजी, और 1 केजी का अभी केला 30 रुपये है, पर 10 रुपये भी रखूं तो कितने की केला है बताओ, 500। तो एक बंच 500 का, और इसको नुकसान कौन कर रहा था, केवल 15 रुपये का नर, केवल 15 रुपये का नर। अब ये जब नर गया तो ये केला को मिलता था भोजन, सारे औरत बांट के खाती थी, मोटी होती गई, और मोटी होती गई तो केला का साइज क्या होता गया बताओ, बढ़ता गया, केला का साइज क्या होता गया, बढ़ता गया, केला बड़े बड़े होते गए, उपज बढ़ता गया, उत्पादन बढ़ता गया, इनकम किसानों को बढ़ते गए। एक साइमन सेफार्ड ने एक केला के नर कटवाया था, ये कहानी पूरे देश में फैल गया, पूरे देश के नर को काटना पड़ गया, सारे नर नीचे गिरे रहते हैं, जब एक देश ने काटा तो पूरे विश्व के लोग ने काट दिया, और सारे नर कहाँ चले गए, नीचे। और इस क्रिया को हम कहेंगे भाई साहब डीनेवलिंग, क्या बोलोगे बताओ, क्या होता है बताओ डीनेवलिंग, डी का मतलब क्या होता है, हटाना, किसको हटाना, नर भाग को हटाना, क्या कहलाएगा बताओ, डीनेवलिंग। अगर मैं पूछूं डीनेवलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का बचाव करना, पोषक तत्वों का क्या करना, बचाव, और दूसरा क्या है, किसान को 20 रुपए की आमदनी हुई, क्या हुआ, दो फायदा हुए ना, एक किसान को एक पेड़ से 20 रुपया मिल गया, दूसरा क्या फायदा हुआ, वो न्यूट्रिएंट्स अननेसेसरी ऐसे बर्बाद हो रहा था, दूसरा फायदा वो न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेगी बताओ, केला को, केला की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, उपज क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। इसलिए आप लोग भी नर से हमारा एक गुजारिश है, ज्यादा खाना नारियों को खिला दे ताकि उपज क्या हो अपना, ज्यादा, ठीक है। अब आ जाए अगला क्या है, कल्पत्रु मीन्स, कल्प का मतलब क्या होते हैं, कल्प, कल्प वृक्ष का मतलब होते हैं, जो इंग्लिश में लिखा है ना वो तो सार में लिखना ही है, इसका मतलब ये सार में नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, कल्प वृक्ष का मतलब ऐसे वृक्ष जिसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष, क्या बोलोगे, कल्प, कल्प वृक्ष, चले आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पे, बताओ पूजा होने वाला वृक्ष कौन कौन है, एक तो नारियल है कल्प वृक्ष, दूसरा बताओ केला, इंपोर्टेंट कल्प वृक्ष, और बताओ आंवला की पूजा होती है ये भी आ सकता है किसमें, कल्प वृक्ष में, और बताओ बरगद की बात करें, पीपल की बात करें, बरगद पीपल ये सब क्या कहलाता है, कल्प वृक्ष,
ठीक है। खेजड़ी की भी पूजा होती है ना आपकी, दशहरे के समय खेजड़ी की पूजा चले, ये भी कहलाता है कल्प वृक्ष, चले इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लांटेन मींस क्या होता है, कुकिंग बनाना, कुकिंग बनाना समझते हो, कुकिंग बनाना, ऐसा बनाना जो हमें कहा खाना में क्या होता है यूज। अच्छा एक पॉइंट और लिखना है इसमें, साउथ इंडिया के जो लोग हैं ना इसकी पत्ती पे खाना खिलाते हैं, पत्ती पे क्या करते हैं बताओ, खाना खिलाने का कार्य भोज भंडारा में करते हैं, कहां बताओ, दक्षिणी भारत के लोग पत्तियों को काट करके उस पर क्या खिलाते हैं बताओ, खाना, ये जानता होगा। बनाना लीफ को कंसीडर्ड किया जाता है जानते हो किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने बात किया, बायोलॉजिकल प्लॉट ई प्लेट, प्लेट का मतलब समझते हो ना, भोजन वही, यानी कि जैविक प्लेट किसे कहा जाता है, जैविक प्लेट, प्लेट से संबंधित कौन सा वृक्ष का पत्ती है, तो आप बोलोगे क्या केला। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन है, यानी ऐसा प्लेट जो जीवित है, जीवित प्लेट, तो जीवित प्लेट किसकी पत्ती है बताओ, केले की पत्ती, कैसा है जीवित प्लेट। अब हम बात करेंगे आपसे चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी क्या होता है, तो वो मैं थोड़ा सा बात करूं, किसे कहते हो चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी का मतलब होता है, देखो यहां से दो पॉइंट आप समझे हमारी बात को ध्यान से, किसे कहेंगे चिलिंग और फ्रीजिंग, तो ये बात मैं करता हूं, एक तो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा चिलिंग इंजरी क्या है, और दूसरा हम बात करें दोस्त वो नाम है आपका फ्रीजिंग इंजरी क्या है। कई बच्चे फ्रीजिंग नहीं लिखते हैं तो मैं लिख देता हूं आपको फ्रीजिंग, खुद ही मैं हिंदी गलत लिखता हूं इसलिए आप भी सही करना इसको, चिलिंग, चिलिंग, चिलिंग इंजरी और कौन सा है बताओ, फ्रीजिंग इंजरी। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि क्या है, आपको ये आज नहीं कल ये मैं समझाता है, आज ही समझा देता हूं। चिलिंग का मतलब होता है ना, दोनों का मतलब है लो टेम्परेचर, लो कम तापमान, तो चिलिंग का मतलब कभी आपने देखा होगा यूज किया होगा शब्द यार चिल्ड बियर लाओ, लड़के लोग तो किया होगा, छोरियां कम पीती है आजकल, हालांकि ज्यादा ही कर दी है कम, तो कहां पिए, दिल्ली मुंबई में देख लो सारे छोरी ही बियर पी रही है सारे, तो वो सब समझती है चिल्ड, चिल्ड बियर का मतलब क्या होता है, बियर तापमान कितना डिग्री रखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे अगर बियर है तो उसको हम बोलते हैं चिल्ड बियर। जान के ऐसा उदाहरण लेता हूं ना कि आज के युवा यही समझते हैं बियर विस्की, दूसरा उदाहरण लोगे वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, बोले हट कोई मतलब नहीं, मेरे लायक तो उदाहरण ही नहीं दिए, तो इसको ऐसा चिल्ड। अब देखो रेफ्रिजरेटर का तापमान कल मैंने बोला था आपको 4 से 60 डिग्री, तो कहां रखते हैं बियर को, कभी गई हो दुकान कनिका, अरे गुजरी तो होगी ऐसे लग रहा है घिन वाले, देखे तो होंगे भाई कि इधर से गुजरते हुए, अरे देखी भी नहीं कहां बियर वाइन का शॉप, बोलना है कि हाँ सर देखी तो हूं, उसमें क्या दिक्कत, देखी हूं, तो वो कहां बियर ऐसे बाहर रखे नहीं रहते हैं, कहां रखते हैं डीप फ्रीज, ये कैसे देखे डीप फ्रीजर में रखते हैं, हद अभी बोल रही थी नहीं देख, अभी बोल रहे डीप फ्रीजर में, सब जानती है लेकिन लोग ना बताते नहीं है, चलो आ जाओ डीप फ्रीजर में कहां रखते हैं बताओ, डीप फ्रीजर में, डीप फ्रीजर का तापमान होता है जानते हो 0 डिग्री के आसपास, कितने होते हैं 0, लेकिन अगर वातावरण की एवरेज टेम्परेचर वो देखा जाए तो चिलिंग का मतलब हम बोलेंगे कितना डिग्री बताओ, 10 डिग्री से कम तापमान, और फ्रीज कितने डिग्री पे होते हैं बताओ, 0 डिग्री से अगर कम तापमान की चर्चा करेंगे ना तो वो होगा फ्रीजिंग। क्या होगा, अब जैसे देखो सियाचिन, लद्दाख ग्लेशियर, इधर जो है जम्मू कश्मीर वाला जोन, वहां टेम्परेचर -20 चले जाते हैं, -18 चले जाते हैं, ये सब। अब सोचो जो पेड़ होगा वहां, जो पेड़ है, पेड़ तो पहली बात ऐसे होते हैं ध्यान रखना, ठंडे प्रदेश का शंकुनुमा वृक्ष जिसको बोलते हैं कोनीफर्स, कैसा होता है बताओ कोनीफर्स, आप ऐसे पेड़ कर देख के बता सकते हो वो ठंडे प्रदेश का निशानी है, जैसे ऐसे क्रिसमस ट्री ऐसे बनते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पेड़ अगर कहीं होगा तो क्या बता दोगे वो जोन कैसा है, ठंडा होगा, कैसा होगा ठंडा। अब यहां टेम्परेचर ऐसा चल जाए
तो एक तो भगवान का बनाया हुआ कितना विचित्र चीज है, इधर फूल देते ही नहीं। बोले ना ना ना, फूल दूंगा पागल, तो फल बनेंगे, फूल से क्या बनेंगे। और वो वृक्ष आता है एंजियोस्पर्म में, किसमें आते हैं, तो आपने देखा होगा उधर ज्यादा ऐसे जो वृक्ष होते हैं ना, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं बताओ, कौन सा पेड़ होते हैं ये सब, जिम्नोस्पर्म। क्या इसमें फ्लावर होता है ना, जिस पेड़ में फूल होंगे उसमें क्या लगेगा, फल। और अगर मान लिया जाए जैसे लग गया सेब नाशपाती ये सब लग गए वृक्ष, तो लगेंगे तो इस फल के अंदर होगा पानी। लो मैं फल बना दिया, ध्यान से समझना, फल। और इस फल के सेब नाशपाती इसके अंदर 35 से 40% क्या पाए जाते हैं, पानी। अब टेम्परेचर कितना है भाई साहब वातावरण का, -20। पानी कितने डिग्री पे बर्फ बन जाते हैं बताओ, 0 डिग्री। अब -1 -2 -3 -4 माइनस ऐसा ऐसा जा रहा है, सोचो इस फल की हालत क्या होगी, होंगे ना हालत गंभीर। तो ये 0 डिग्री -5 पे ही इधर ऐसा ऐसा बर्फ बन जाएगा, गुदा के बीच बीच में क्या बन गया बताओ, बर्फ। अब ये बर्फ बन जाएंगे, आपने देखा होगा कभी कभी बर्फ के चारों तरफ गुदा, तो ये बन जाएगा काला गूदा। कैसा हो जाएगा ये, काला। कैसा कैसा बन जाएगा ये, सारे ये काला काला यहां पे माल तैयार हो जाएंगे काले। अब इधर क्या केस बनेगा बताओ, इधर क्या, इधर भी फल है पर इधर बर्फ बनेगा या नहीं, आइस का जमाव होगा या नहीं। इधर किसका जमाव हो जाएगा फलों के अंदर बताओ, आइस। तो किसका नियंत्रण कठिन है आप बताओ, कौन सा नियंत्रण कठिन है, इसका नियंत्रण इजी और इसका नियंत्रण क्या है, हार्ड। इसका नियंत्रण क्या है, हार्ड। इसको नियंत्रित करना क्या है, कठिन। किसको, फ्रीजिंग वाले। अगला, ये किस रीजन में आपको दिखेगा फलों में, तो एक तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगा और दूसरा कहां देखने को मिलेगा, ये सब ट्रॉपिकल में। अगर राजस्थान कंडीशन में पूछा जाए कि कौन सी इंजरी होती है बेटा, तो चिलिंग। अगर महाराष्ट्र वाले उधर वाले रीजन में पूछा जाए तो कौन होंगे बताओ, चिलिंग। लेकिन मैं बोलूं जम्मू कश्मीर, जो कौन सा रीजन में मैंने आपको बताया, टेम्परेट में। अब पूछा जाए टेम्परेट फ्रूट्स में कौन सा इंजरी देखने को मिलेगा, समझ में आ रही बात है। अब बताओ इसको तो इजी, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो बता देता हूं। कंट्रोल का मतलब है इसको सिंचाई कर दो। आप देखते होंगे पाला पड़ते रहते हैं, पापा कभी सिंचाई करते हैं तो खेत में लगता है आग लग गया, धुआं निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर की तापमान कितनी है, 25 डिग्री पानी का, और वातावरण कितना है, 0 डिग्री। तो 0 में 25 डालोगे, 0 में पानी कितनी की है, 25 की। कभी ट्यूबवेल के पास नहाए हो ठंड में, तो गर्म पानी आते हैं, क्या आते हैं, वातावरण की टेम्परेचर 0, ट्यूबवेल अंदर से पानी आ रहा है कितना, 25। तो 25 में अगर पानी जाए 0 वाला, तो वाष्प निकलेंगे, क्या निकलेगा, तो वहां लग रहा होगा अरे यार तो एकदम खोल रहे हैं पानी, लगते हैं ना ऐसा। तो इस मिट्टी की टेम्परेचर कितना, आप मुझे ऐसे समझाओ एकदम आराम से, ये मिट्टी वातावरण, ट्यूबवेल के बगल वाली मिट्टी, खेत वाली, ये तो अभी कितना में कुकड़ रहा है ऐसे, 0 डिग्री, ठंड लग रहे हैं, ठंड लग रहे हैं। अब यहाँ ट्यूबवेल चला दिया, पानी आया कितने डिग्री का, 25 डिग्री। तो ये 0 डिग्री का थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा, ये 25 पे लाना चाहेगा, कितने पे लाना चाहेगा, 25 पे। बताओ ये पानी वातावरण को क्या बढ़ा सकता है, नहीं, कुछ समय के लिए इसको गर्म कर सकता है। ये जो मिट्टी 0 है, इसको कुछ समय 1-2 दिन के लिए कितना डिग्री पे ला सकता है, 5 से 10, कितने डिग्री के ला सकते हैं। तो बताओ ये नियंत्रण हो गया या नहीं। तो बताओ पाले का नियंत्रण में आपने हमेशा पूछा होगा आपके एग्जाम में, क्या करते हैं, सिंचाई, क्या करते हैं। अब इधर चलते हैं जम्मू कश्मीर, पूरा पहाड़ -20 डिग्री का है, पूरा पहाड़ एकदम पर्वत -20, चला नहीं जा रहा है, बूट उट पहन के चल रहा हूं, सिंचाई करूं पूरी पर्वत पे, करूं, आए कोई फायदा है उससे। और सिंचाई करोगे तो पूरी बर्फ पिघल के आपके और नीचे आएंगे, जहां तू घर बनाए हुए हो ना वहीं पे आएंगे। ये कंट्रोल क्या है, मुश्किल। ये कंट्रोल क्या है, आसान। चिलिंग इंजरी कहां मिलेंगे, अब बताओ कितने प्रश्न करोगे तुम, समझना कॉमेडी में कितनी चीज है। अब पूछा जाए सेब में कौन सी इंजरी देखने को मिलता है, फ्रीजिंग।
बेर में कौन सा इंजरी देखने को मिलेगा, आम में कौन सा इंजरी देखने को, पपीता में कौन सा इंजरी, चिली आलू बुखारा में कौन सा बताओ, फ्रीजिंग, नाशपाती में कौन सा, फ्रीजिंग। मैं बोलू आमला में क्या देखने को मिलेगा, अब मैं बोलू केला में क्या देखने को मिले, हो गया काम खत्म। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको कि चिलिंग क्या है और फ्रीजिंग क्या है। चिल्ड बियर से याद रहेगा, एक ही याद रखना है, बियर चिल्ड होनी चाहिए नॉट फ्रीज। बियर कैसा होना चाहिए, चिल्ड बियर। समझ रहा हूं अंजलि, अभी बताऊंगा कैलाश जी को। चले आगे, आगे बढ़े कि हो गया टाइम अपने 3:32। तो आज की क्लास को यही क्या किया जाएगा, समाप्त। कल आपकी कंप्लीट हो जाएंगे ये केला, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन करा देता हूं कल अपने, 200-300-500 क्वेश्चन अब डेली का एक एक लाइन वाले निपटा देते हैं।